Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of analogy. It was a request from one of my subscriber named Krish Talreja, and Krish, here's your lesson. Analogy means establishing comparison between things. जब दो चीज़ों के दरमियान जो कि बज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उनके दरमियान किसी एक सिमिलरिटी को लेकर एक कंपैरिजन या मुवाजना किया जाए, तो उस कंपैरिजन या मुवाजने को हम अनालॉजी कहते हैं। और ये जो कंपैरिजन या मुवाजना किया जाता है, ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ समझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि यह कहा जाता है कि लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ये एक अनालॉजी है। और इसका क्या मतलब है कि ज़िंदगी जो है वो एक रेस की तरह है। अब देखिए, ज़िंदगी और रेस, ये बज़ाहिर दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनके दरमियान में एक सिमिलरिटी है जिसकी बुनियाद पर ये एक एनालॉजी जो है वो क्रिएट की जाती है। वो क्या है कि जैसे रेस होता है, रेस में जीतने के लिए आपको भागना पड़ता है। अगर आप कहीं भी रेस के दरमियान में रुक जाएँ तो आप वो रेस हार जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ज़िंदगी भी जो है वो एक रेस की तरह है कि ज़िंदगी में हमेशा आपको भागना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। अगर कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे आप रुक जाएंगे तो आप ज़िंदगी की जो रेस है वो हार जाएंगे। मतलब कि ज़िंदगी में हमेशा इंसान के पास यही ऑप्शन है कि इंसान चलता रहे, इंसान आगे बढ़ता रहे, कभी रुके नहीं, कभी हार ना माने, तो ही वो ज़िंदगी में जो है वो कामयाब होगा। ठीक है, तो ये एक सिमिलैरिटी जो है दोनों के दरमियान में कि आप चलते रहो, आप भागते रहो, आप रुको नहीं, तो इस सिमिलैरिटी की बुनियाद पर लाइफ और रेस के दरमियान में एक एनालॉजी क्रिएट की गई है इस बात को समझाने के लिए कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। आई होप कि आपको एनालॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is, in science class, the teacher established an analogy between atom and the solar system. के science class के अंदर teacher ने एक analogy create की atom और solar system के दरमियान में। देखें, जैसे solar system में होता है कि दरमियान में जो है वो सूरज है, इसी तरह से atom का जो structure है वो इस तरह से है कि उसके दरमियान में जो है वो nucleus है। और उसी तरह से जैसे solar system में होता है कि दरमियान में सूरज और उसके इर्द गिर्द जो है वो planets जो हैं वो rotate कर रहे हैं, वो उसे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इसी तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर उसमें ही होता है कि दरमियान में उसके न्यूक्लियस होता है और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो साइंस क्लास में टीचर ने जो बच्चों को समझाने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, तो उसकी एक एनालॉजी क्रिएट की सोलर सिस्टम के साथ ताकि बच्चों को समझ में आए। आ सेकेंड एग्जाम्पल इज, देयर इज़ एन एनालॉजी बिटवीन ह्यूमन हार्ट एंड पम्प, के जो ह्यूमन हार्ट और पम्प है उसके दरमियान में भी एक एनालॉजी पाई जाती है। ठीक है, आ थर्ड एग्जाम्पल इज, द एनालॉजी डजंट एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि जो एनालॉजी है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ को ही एक्सप्लेन कर सके। जहाँ पर ये एक्सप्लेन कर सकती है वहाँ पर इसको यूज़ कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह पर हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, Okay friends, our lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below. I'll make a lesson for you. Do like, comment and share this video. Subscribe to my channel and I see you in next lesson. Allah Hafiz.